हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम सीखते हैं पेन ड्राइव को कमांड मोड के माध्यम से किस तरह से बूटेबल बना सकते हैं। इसके लिए हम मिनिमम 4 GB पेन ड्राइव का यूज़ कर सकते हैं, और यदि अगर आपके पेन ड्राइव में आपका पर्सनल डेटा है तो बूटेबल बनाने से पहले उसका बैकअप ले लें, नहीं तो डेटा का लॉस हो जाएगा। कमांड मोड ओपन करने के लिए CMD टाइप करें और CMD पर राइट क्लिक करके उसे एडमिनिस्ट्रेटर परमिशन से रन कराएं। CMD कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होने पर यहाँ पर कमांड को टाइप करें और कमांड में स्पेलिंग और स्पेस का ध्यान रखें। डिस्क पार्ट लिखकर एंटर करें और ऐसा लिख करने पर डिस्क पार्ट यूटिलिटी ओपन हो जाएगी और डिस्क पार्ट के अंदर पहुंच जाएंगे। लिस्ट स्पेस डिस्क एंटर। इस कमांड के द्वारा इस कंप्यूटर में कितनी डिस्क लगी हुई है उसकी लिस्ट आपको यहां पर दिखाई देगी और इस लिस्ट से पेन ड्राइव के नंबर की पहचान कर नेक्स्ट कमांड टाइप करें और पेन ड्राइव के नंबर को सेलेक्ट करें। सेलेक्ट स्पेस डिस्क स्पेस 1। यहाँ पर 1 पेन ड्राइव का नंबर शो कर रहा है। यदि इस कंप्यूटर में और भी डिस्क लगी रहेंगी तो उसका नंबर यहाँ पर बढ़ते हुए क्रम में दिखाई देगा, जहाँ से पेन ड्राइव के नंबर को पहचान कर उसका नंबर इस कमांड के साथ टाइप करें। इस तरह पेन ड्राइव का सिलेक्शन हो जाएगा। अब नेक्स्ट कमांड टाइप करें, क्लीन एंटर। इस कमांड से पेन ड्राइव के अंदर जो भी डेटा रहेगा वह डेटा क्लीन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट कमांड टाइप करें, क्रिएट स्पेस पार्टीशन स्पेस प्राइमरी एंटर। ऐसा करने पर पेन ड्राइव के अंदर एक पार्टीशन क्रिएट हो जाएगा। अब नेक्स्ट कमांड के माध्यम से उस पार्टीशन को सेलेक्ट करें, सेलेक्ट स्पेस पार्टीशन स्पेस 1। यहां पर 1 जो पेन ड्राइव के अंदर हमने पार्टीशन बनाया उसको सिलेक्ट करने के लिए यहां पर 1 हमने लिखा। अब इस पार्टीशन को फॉर्मेट करेंगे, उसके लिए कमांड टाइप करेंगे, फॉर्मेट स्पेस fs इज इक्वल टू ntfs स्पेस क्विक एंटर। यहां पर ntfs फाइल सिस्टम का यूज करके पेन ड्राइव के इस पार्टीशन को फॉर्मेट करेंगे। हंड्रेड % कंप्लीट होने पर नेक्स्ट कमांड टाइप करेंगे, एक्टिव। इस कमांड से पेन ड्राइव बूटेबल हो जाएगी और इस तरह पेन ड्राइव को बूटेबल बना लेंगे और इस यूटिलिटी से बाहर आ जाएंगे और इस कमांड प्रॉम्प्ट को क्लोज कर देंगे। अब जिस भी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का बूटेबल बनाना है उसकी DVD लगाकर उसके अंदर जितनी भी फाइल हैं उन सभी को कॉपी करके पेन ड्राइव के पार्टीशन में पेस्ट कर देंगे। इस तरह पेन ड्राइव बूटेबल बन जाएगी और हम इसका यूज कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। लेटेस्ट वीडियो अपडेट इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।